ऑब्वियसली हमें मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी एंड शोएब इस फिल्म का हिस्सा है. मैं शोएब को लेके हमेशा थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहती हूँ, तो मुझे शोएब का काम अच्छा लगा बहुत इस फिल्म में. वो दिख बहुत अच्छे रहे हैं एंड आई थिंक ऑल इन ऑल द फिल्म इज़ अ वेरी परफेक्ट पैकेज. इट देर इज़ ह्यूमर, देर इज़ एक्शन, देर इज़ ड्रामा, इमोशन, एवरीथिंग, लॉट ऑफ पेट्रियटिज्म, लॉट ऑफ क्रिकेट. आई थिंक ये सबसे बड़ा USP है फिल्म का. और बस अभी आप लोगों का रिएक्शन जानना है कल के. फिल्म देख के बहुत पूरी फिल्म एकदम ऐसे देखते हुए आपको ऐसे बांध के रखती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. बहुत मजा आया पूरी फिल्म में. हंसी मजाक था, एक्शन था. और अगर आपके दिल में इंडिया के लिए प्यार है ना, इसका भाई था भाई था तो फिल्म मतलब बेस्ट है मेरे लिए. लेकिन आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि फिल्म में सब कुछ है जो एक नॉर्मल ऑडियंस देखना चाहती है. और लोगों से रिव्यूज में आपसे पूछता हूँ, बताइए आप सबको कैसी लगी फिल्म. क्योंकि अभी इसके बाद अभी फिल्म रिलीज हुई नहीं है, आज स्क्रीनिंग थी, कल ऑडियंस के रिव्यूज पता चलेंगे. लेकिन हाँ, जब मैं अंदर फिल्म देख रहा था तो मुझे बीच बीच में जब कोई पंचेज आ रहे थे, जब कोई सीन ऐसा चला, तो मुझे सीटियाँ और तालियाँ सुनने को मिली हैं. तो बस उम्मीद हो कि शायद लोगों को पसंद आ रही है और आप सबको भी पसंद आ रही है जैसे कि आपने कहा. तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि कल जब फिल्म रिलीज होगी, जैसे आज रिस्पॉन्स मिला है आप सबका, और मीडिया का रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, मतलब बहुत बड़ी बात है. तो बस ऐसे ही ऑडियंस का रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिले. अच्छा, देखिए मैं इस चीज़ को प्राउड फील करता हूँ कि मेरी पहली फिल्म आर्मी फिल्म है. मैं इस चीज़ पर ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, ना कि किसी फिल्म की कंपैरिजन से. क्योंकि आई थिंक ये एक एक्टर के लिए सबसे बड़े बहुत अच्छी सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को बड़े पर्दे पे एक आर्मी यूनिफॉर्म में देखे. तो आई थिंक इससे अच्छी खुशी की बात और इससे बड़ी बात एक एक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकती. एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला कि मुझे अपनी पहली फिल्म एक वॉर फिल्म मिली है. ऑफकोर्स देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. इट्स आई थिंक वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स फॉर मी. और जहाँ आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म से इनकी फर्स्ट फिल्म को कंपेयर किया जा रहा है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. शोएब ने कई बार ये कहा है कि हम शुरुआत कर रहे हैं, हम बहुत छोटा कदम ले रहे हैं, दिस इज़ जस्ट आर फर्स्ट बेबी स्टेप इन दिस बिग बॉलीवुड ओशन. लेकिन ये इतने आइकॉनिक फिल्म के आप नाम ले रहे हैं और अगर उनसे कंपेयर किया जा रहा है ऐसा सुनने में भी आया, तो वो बहुत बड़ी बात है. एंड वी आर हम जब ये फिल्म बनाने में सोचा भी नहीं रहे सर. हाँ, हम मतलब अपने एक अपना एक अपनी जगह बनाना चाहते हैं, चाहते थे उस वक्त कि हम इस एक स्टेप इन कर रहे हैं इस एक नई जर्नी में. और अगर अभी से ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो सीरियसली मतलब शुक्रिया आप सबका एंड शुक्रिया उसका. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, क्यों देखनी चाहिए बहन? यही बोलेगी, ये बहुत कम आती है इंटरव्यूज देने, आज आई है तो यही बोलेगी. हमेशा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वोट अपील की है आपसे, आज सभा आपसे करेगी हमारे बिहाफ पे. ऑडियंस से बस ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अब तक बहुत सारा प्यार देते आए हो भाई को और भाभी को, प्लीज़ आगे भी ऐसे ही प्यार दीजिए. और कल के बाद भी जब को आपको टाइम मिले प्लीज़ ये फिल्म देखने जाओ. ये फिल्म बहुत अच्छी है, आपको बहुत मज़ा आएगा. इस फिल्म में सब कुछ है, मतलब आपके घर के बड़े से लेके बच्चे तक ये फिल्म सबको पसंद आने वाली है. तो प्लीज़ जाइए. प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी बहन की बात मान लीजिए. Thank you.